जोहार दोस्तों, आज बहुत ही झारखंड के लिए एक बहुत ही निर्णायक दिन था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएमएम के जो पूर्व विधायक दिवंगत जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के कोरोना के पीरियड में निधन के बाद डुमरी विधानसभा की सीट खाली थी। उस 5 अगस्त 2023 को डुमरी में बाई इलेक्शन कराया गया। उस इलेक्शन में जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 कैंडिडेट थे जो चुनाव में लड़े। इनमें INDAIA समर्थित जो प्रत्याशी थी बेबी महतो जी, और NDA की प्रत्याशी थी इनकी लेट दामोदर महतो की पत्नी श्रीमती यशोदा देवी, और AIIM के अब्दुल मोमिन रिजवी, और निर्दलीय प्रत्याशी कमल प्रसाद साहू नारायण गिरी और रोशन लाल तुरी थे। हालांकि AIIM को जमानत जब्त हो गई, और कमल इन लोग तो निर्दलीय, तो जमानत जब्त हो गई। मैं आज जो एक निर्णायक बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी INDAIA की प्रत्याशी दिवंगत जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी बेबी महतो जी, और एनडीए की जो प्रत्याशी लेट दामोदर, जो वो भी स्वर्गीय ही है दामोदर महतो जी की पत्नी यशोदा देवी के बीच जो कांटे की टक्कर हुई थी, मैं उसकी जो शुरुआत से जो भी रुझान थे, मैं उन रुझानों को आप लोगों को आज बताने के लिए मैं आया हूँ। और अब तक न्यूज आप लोगों को पूरी तरह से डुमरी विधानसभा में जो भी रुझान हुए थे शुरू फर्स्ट राउंड से लेकर 24 राउंड तक की, वो रुझान आप लोगों को बताऊंगा। क्या किसमें कितने किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, कौन कितने वोट से आगे था, वो आपको बताया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें और रुझान को आप मजा लें, क्योंकि आज बहुत ही निर्णायक ये आज वोट हुआ डुमरी के गिरिडीह के इसमें आपको पंचवा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में जो आज मतगणना की गई। हालांकि थोड़ी 15 मिनट लेट से हुई, बारिश हो रही थी बीच में, बारिश की वजह से थोड़ी लेट हुई, लेकिन बहुत ही निर्णायक और काफी भीड़ भाड़ थी। बहुत ही लोगों का एक मैंने जबरदस्त भीड़ थी वहां पर। तो मैं आपको फर्स्ट राउंड से बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में जो रुझान आपको मैं बता रहा हूँ, बेबी देवी प्रथम फर्स्ट राउंड में 2859 वोट से वोट मिला था, और यशोदा देवी को 4555। यानी फर्स्ट राउंड में यशोदा देवी, ये जो एनडीए की प्रत्याशी थी, वो 1696 वोटों से आगे थी। सेकंड राउंड के बाद बेबी देवी जो थी वो थोड़ा सी आगे बढ़ने लगती है, और बेबी देवी को सेकंड राउंड में 4455 वोट मिलती है, और यशोदा देवी को 1849। और इसमें बेबी देवी 2606 यानी 2606 वोटों से आगे उसकी बढ़त बढ़ जाती है। उसके बाद थर्ड राउंड में बेबी देवी को 11495 वोट प्राप्त होता है, और यशोदा देवी को वोट मिलता है 8805। यानी कि इसमें बेबी देवी इस थर्ड राउंड में 2690 वोटों से आगे रहती है। इसके बाद जो फोर्थ राउंड होता है उसमें बेबी देवी जी को 14661 वोट प्राप्त होते हैं, और यशोदा देवी जी को 13991 वोट मिलते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा दोनों में जो एक फर्क होता है वो घटने लगता है। वो यशोदा देवी और बेबी देवी की, इसमें बेबी देवी जी को 670 वोटों से वो आगे बढ़ती है। इसके बाद फिफ्थ राउंड से आप देखेंगे कि
एनडीए की प्रत्याशी जो यशोदा देवी है वो आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर बेबी देवी जी को 17,356 वोट प्राप्त होते हैं और यशोदा देवी को 18,486, जिसमें यशोदा देवी 1130 वोटों से आगे रहती है। इसके बाद छठे राउंड में बेबी देवी जी को 20,303 वोट प्राप्त होते हैं और यशोदा देवी की जी को 22,772, यानी यहाँ भी यशोदा देवी 2,469 वोटों से आगे बढ़ जाती है। फिर सेवंथ राउंड में 24,006 वोट मिलते हैं बेबी देवी जी को और लगभग 25,557 वोट मिलते हैं यशोदा देवी जी को। यहाँ थोड़ा सा फिर गैप कम हो जाता है, यहाँ पर यशोदा देवी जी जीतती हैं 1,551 वोटों से, यहाँ आगे रहती हैं। उसके बाद एट्थ राउंड में बेबी देवी जी को मिलता है 26,794 वोट और इनको यशोदा देवी जी को 29,633 वोट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर फिर गैप बढ़ जाता है, देखिए कितना तालमेल, कितना मतलब कांटेदार टक्कर चल रहा है दोनों में। यहाँ यशोदा देवी बढ़ती है, आगे रहती है 2,839 वोटों से आगे बढ़ जाती है। इसके बाद जो नाइन्थ राउंड होता है, यहाँ भी देखिए गजब का दोनों में एक बढ़त होता है, 29,155 वोट मिलते हैं बेबी देवी जी को और 34,300 वोट मिलती है यशोदा देवी जी को। यहाँ यशोदा देवी जी फिर कम हो जाता है, इनका वोट का ताल जो ये परसेंटेज है 2,147 वोट से आगे बढ़ रहती है यशोदा देवी जी। फिर आपको ये टेंथ राउंड में है, वहां हो जाता है क्या, बेबी देवी जी को मिलता है 32,424 और यशोदा देवी जी को मिलते हैं 39,370। यहाँ देखिए यशोदा देवी जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है अंकों में, यहाँ करीब करीब आपको मैं बता दूं 6,946 का गैप हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा यशोदा देवी जी बहुत खुश होने लगते कि अब अंक जो है हमारा परसेंटेज बढ़ने लगा है। फिर 11वां राउंड में 36,875 वोट मिलते हैं बेबी देवी जी को और 42,502 वोट मिलते हैं यशोदा देवी जी को। यहाँ थोड़ा सा फिर गैप कम हो जाता है, 5,627 वोट से यशोदा देवी आगे रहती है। फिर 12वें राउंड में 40,594 वोट बेबी देवी जी को मिलती है और 46,301 वोट यशोदा देवी जी को मिलती है। यहाँ गैप फिर थोड़ा सा बढ़ता है, 5,707 अंकों से मैंने वोटों से आगे रहती है यशोदा देवी। फिर आपको 13वें राउंड में लेके चलूं, मैं 13वें राउंड में 46,397 वोट बेबी देवी जी प्राप्त करती हैं और यशोदा देवी को प्राप्त होता है 49,441। यहाँ गैप फिर कम होने लगता है, देखिए 3,044 वोटों से यशोदा देवी बढ़ जाती है, यानी कि फिर 2,000 का वोटों से वोट कम हो जाता है। फिर 14वें राउंड में 52,419 वोट बेबी देवी जी प्राप्त करती हैं और ये यशोदा देवी 52,731 वोट। यहाँ देखिए कितना गैप, यहाँ फासला कितना कम हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है 312 वोट से यशोदा देवी आगे रहती है, लेकिन कितना गैप कम हो गया देख ले। यहाँ से फिर बेबी यशोदा देवी की प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ से बेबी देवी जी आगे बढ़नी शुरू होती है। इसके बाद 15वें राउंड में 57,339 वोट प्राप्त होती है बेबी देवी जी को और 55,778 वोट मिलती है यशोदा देवी जी को। यहां से फिर जो आपको मैं बताऊं, डुमरी इलेक्शन का एक आश्चर्यजनक परिणाम आने लगता है और इसके बाद बेबी देवी जी जो है अपने जीत की ओर अग्रसर होने लगती है। यहां गैप होता है 1,561। इसके बाद 16वें राउंड में 61,572 वोट प्राप्त होती है बेबी देवी जी और 59,125 वोट प्राप्त होती है यशोदा देवी जी को। यहाँ फिर बंक वोट बढ़ने लगता है, 2,447 वोटों से बेबी देवी जी आगे बढ़ रहती है। फिर उसके 17वें राउंड में 66,708 वोट प्राप्त होते हैं बेबी देवी जी को और यशोदा देवी जी प्राप्त करती है 62,655। यहाँ फिर गैप बढ़ जाता है 4,043 यानी 4,043 वोटों से बेबी देवी जी आगे रहती हैं। यहाँ देखिए दोनों में कितना
निर्णायक यहाँ पर आपको जो वोट मिल रहे हैं दोनों को। 18वें राउंड में 72,042 वोट प्राप्त होते हैं बेबी देवी जी को और 65,506 यशोदा देवी जी को। यहाँ गैप होता है करीब 6,536 का। फिर उसके बाद 19वें राउंड में 76,763 मिलते हैं बेबी देवी जी को और 68,395 के करीब मिलती है यशोदा देवी जी। यहाँ गैप हो जाता है करीब इनको 8,368। देखिए हम मजेदार वोटों का जनगण या मतगणना। उसके बाद 20वें राउंड में 82,682 वोट बेबी देवी जी और 72,177 वोट यशोदा देवी जी को। यहाँ हो जाता है 10,505। अब देख रहे हैं गैप कैसे बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। बेबी देवी जी की जो है हार्ट की जो एक पल्स वो बढ़ने लगती है और यशोदा देवी जी निराश होने लगती है। 21वें राउंड में 86,868 और यशोदा देवी 75,396 वोट, 11,453, एक जबरदस्त गैप। उससे फिर 22वें राउंड में 93,306 बेबी देवी जी और यशोदा देवी जी को 78,033 गैप। देखिए 15,843 यहां से यशोदा देवी के सर झुकने लगती है और वो घर को चलने लगती है। यहां से बेबी देवी जी अपनी गाड़ी से निकलने के लिए तैयार और अपने जो अपने जो मतगणना स्थल के जो अपने समर्थित जो कार्यकर्ता है उनको हाथ दिखाने के लगती है। उसके बाद 23वें राउंड में 98,622 बेबी देवी जी को, 82,078 वोट यशोदा देवी जी को, 16,544 का गैप। उसके बाद 24वें राउंड में 1,35,480 वोट, 1,35,480 वोट बेबी देवी जी को जेएमएम की उम्मीदवार यानी INDIA की समर्थित उम्मीदवार और यशोदा देवी जी को 1,18,380 वोट प्राप्त होते हैं। यशोदा देवी जी ऐसा नहीं है कि वोट कम हुआ, हालांकि वो भी काफी अच्छी टक्कर दे पाई, लेकिन जीत तो जीत होती है और हार तो हार होती है। डुमरी का उपचुनाव खत्म हो गया, लोगों की जो एक महत्वाकांक्षा थी आज का चुनाव को लेकर के, आज के उपचुनाव को लेकर के खत्म हो गई, लेकिन जेएमएम INDIA के आज समर्थित जो कार्यकर्ता है वो लोग मजे में है, आज मस्ती कर रहे हैं, ढोल नगाले नगाड़े बजा रहे हैं। मैं बता दूं करीब करीब 17,156 वोटों से यशोदा देवी हार गई, बेबी देवी जीत गई। INDIA की एक झारखंड में उपचुनाव में एक बड़ी जीत हुई है। सच में ये जामुमो के लिए एक बहुत ही अच्छे दिन है और बीजेपी और आसू गठबंधन यानी NDA गठबंधन के लिए बहुत ही बुरा दिन। आने वाले जो मुख्य चुनाव 2024 में होंगे वो बहुत ही निर्णायक साबित होंगे झारखंड के लिए और खास करके आसू और बीजेपी के लिए। बीजेपी को और आसू को सोचना होगा कि आगे झारखंड के लिए किस तरह की तैयारी करें, आगे की जीत के लिए कैसे तैयारी करें। इतना ही दिखाते हुए दोस्तों हम आपको अब तक न्यूज़ जो आप हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहता है झारखंड के साथ, झारखंड के बात के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आप एंजॉय करें, खुश रहें और झारखंड के विकास में अपनी साथ देते रहें। धन्यवाद। जोहार झारखंड।